हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएच मीटर। पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को काउंट करता है और हमको बताता है कि उस सब्सटेंस का पीएच कितना है। सब्सटेंस का पीएच उसके हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम एक किसी भी सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर वो एसिडिक होता है या फिर वो बेसिक होता है। पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक आता है और 0 से 7 तक अगर रहेगा तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और 7 to 14 अगर रहेगा, 7 से ज़्यादा और 14 तक अगर रहेगा तो उसको हम बेसिक बोलते हैं। 7 को हम न्यूट्रल पीएच मानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पीएच मीटर, सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोड या प्रोब। जब हम इलेक्ट्रोड या प्रोब की बात करते हैं तो ये एक पीएच का इलेक्ट्रोड जो है वो ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है। ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन आयन और इस हाइड्रोजन आयन की सेंसिटिविटी को जनरेट करके वो पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करता है और डिफरेंस से हमको समझा देता है कि कितना पीएच है उस सब्सटेंस का। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ पेयर में लगाया जाता है जो कि स्टेबल वोल्टेज को रिफर करता है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट के बाद हैं और उसके बाद हम उससे ग्लास इलेक्ट्रोड से रीडिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट ये जो है ये है आपका नॉर्मल इमेजेस जो हम पीएच मीटर का देखते हैं। एक डिस्प्ले होता है और बाकी आपके पास एक स्टैंड में इलेक्ट्रोड रहता है और नीचे आप लिक्विड सब्सटेंसेस में उसको इलेक्ट्रोड को डिप करके अपना रीडिंग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है वो सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग वो इंटरप्रेट करता है और एक आपको डिस्प्ले में वैल्यूज दिखाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाता है जिससे आपको अपने सब्सटेंस का पीएच समझ में आ जाता है। नेक्स्ट आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन नॉब्स फर्स्ट टाइम जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए तब आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट बफर सॉल्यूशन से किया जाता है जिसका पीएच आपको पता है। पहले आप उस सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रोड्स को डिप करिए। डिप करने के बाद आप उसको कैलिब्रेशन नॉब्स के मदद से उसको सेट कर लीजिए जितना बफर सॉल्यूशन का पीएच था, वो एज अ रेफरेंस अब काउंट होगा और फिर आप अपने एनालाइट या सैंपल पे अपना इलेक्ट्रोड डिप करके सैंपल का रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ पीएच मीटर पे। जब हम वर्किंग देखते हैं तो पीएच मीटर जो है ये बेस्ड है ऑन नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है हाइड्रोजन आयन्स के एक्टिविटी के कारण। तो हाइड्रोजन आयन्स जब हर एक सॉल्यूशन का अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा और उस इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस को एनालाइज करके डिस्प्ले किया जाता है इन पीएच मीटर। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो हम बात कर रहे थे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम पहले किसी एक स्पेसिफिक पीएच पे सेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अब हमारे सैंपल एनालाइट के पीएच को डिटरमाइन किया जाता है। वोल्टेज टू पीएच कन्वर्शन, कैसे हम वोल्टेज को पीएच कन्वर्शन में देंगे? तो जो वोल्टेज जनरेटेड है उसको पीएच कंडक्शन के लिए हम ये वाला नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं जिसमें ई है एसेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ई जीरो है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2.303 RT, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेना है, N है नंबर ऑफ चार्ज्ड आयन्स और F है फैराडे कांस्टेंट, H प्लस है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपके पास इसी फॉर्मूला से आपका वैल्यूज आएगा और उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो पीएच कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले में शो कर देगा कि आपके सैंपल का इतना पीएच मेजर है।
जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो हमारे पास तीन बफर्स, तीन तरह के बफर सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक और एक होता है न्यूट्रल। तो आप तीनों में से किसी भी दो पीएच बफर्स को लेके आप उसको स्टेबल करके रेफरेंस से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे हम पीएच मीटर को यूज करना है, सबसे पहले आप पीएच मीटर को ऑन कर दीजिए। उसको थोड़ा सा आधे एक घंटे तक पहले, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के पहले आप ऑन रखिए ताकि वो स्टेबल हो जाए और उसके इलेक्ट्रोड्स वगैरह आप पहले क्लीन कर ले। उसके बाद हम कैलिब्रेशन में इसको डिप करें। कैलिब्रेट करने के लिए आइदर हम pH 7 यूज करें या pH 4 या pH 9 या 10, जो भी आपको यूज करना हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उस pH सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन में आप उसको डिप करें। उसके बाद आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड को सेट कर ले। रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट होने के बाद आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर ले। वॉश करने के बाद अब वो इलेक्ट्रोड रेडी है कि आप उसमें सैंपल में आप उसको डिप कर सके। जैसे आप उसको सैंपल में डिप करते हैं तो आपको आपके सैंपल का pH डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद इलेक्ट्रोड को वापस आपको वॉश करना है और उसको एयर ड्राई करके आपको उसको नेक्स्ट बार के लिए रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पीएच मीटर, सबसे पहला आता है पोर्टेबल पीएच मीटर। ये छोटा है, हैंडी है, लेबोरेटरीज में भी यूज हो सकता है। सेकंड आता है बेंच टॉप, जिसमें आपको इजीली डिस्प्ले वगैरह दिख जाता है। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में हम बेंच टॉप पीएच मीटर ही यूज करते हैं। पेन स्टाइल पीएच मीटर, इसमें डिप स्टिक जैसा है, उसको बस आप डिप करिए और आपको उसमें वैल्यू दिखा देगा। ऑनलाइन पीएच मीटर, ऑनलाइन पीएच मीटर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये साथ ही में सेट किया हुआ रहता है टू एसिड और बेस, ताकि अगर इनकेस कोई पीएच डिफरेंसेस है तो वो उसमें बैलेंस कर सकता है। एप्लीकेशंस में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जहाँ पे हम डिटेक्शन करें वाटर क्वालिटी, वाटर सोर्सेस में पीएच अगर चेंज हो रहा है, तो उन सब केसेस में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में ही काम आता है। एग्रीकल्चर में सॉइल पीएच, सॉइल एसिडिटी, सॉइल एल्कलिनिटी, फर्टिलाइजर की कितना कंसंट्रेशन है, फर्टिलाइजर का पीएच कितना है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी आपका पीएच चेक होता है, ताकि कोई भी कंज्यूमेबल आइटम से आपके हेल्थ में कोई डिटोरिएशन ना हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये भी ड्रग के स्टेबिलिटी के लिए और सॉल्युबिलिटी के लिए पीएच चेक करके ही दवाई बनाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में पीएच ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, कोई एसिड है, कोई बेस है, तो जिस एसिड का जितना पीएच होना चाहिए उतने में वो मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए हमको पीएच मीटर्स की केमिकल इंडस्ट्रीज में भी जरूरत पड़ती है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ब्लड है, यूरिन है, सलाइवा है, इन सब में डिजीज का डायग्नोसिस करने में भी सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो है ब्लड या यूरिन का पीएच। फिर आता है एक्वेरियम्स और फिशरीज। प्लांट में जो प्लांटेड एक्वेरियम्स है या फिशरीज है या फिशेस जो एक्वेरियम में है, उन सब को एक स्पेसिफिक पीएच में ही ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ दिखता है। तो उस केसेस में भी हमको एक्वेरियम्स और फिशरीज के पीएच पता होने चाहिए। पॉइंट्स जहाँ पे हम एप्लीकेशंस देखते हैं पीएच मीटर का, एडवांटेजेस है हाई एक्यूरेसी। पीएच में आप चारों में से जो भी मेथड यूज करें या जिस तरह का पीएच मीटर आप यूज करें, आपको इसकी एफिशिएंसी हाई दिखेगी। और वाइड रेंज है 0 to 14 तक का पीएच, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एनालाइज करके आपको बता सकते हैं। और ये काफी इजी है यूज करने के लिए, क्योंकि ये डिजिटल है, ऑटोमेटिक है, तो आपको बस डिप करना है और वो इंस्ट्रूमेंट आपको वैल्यूज बता देगा। लिमिटेशन ऑफ पीएच मीटर, इसमें कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। आप जितने बार यूज करेंगे आपको पहले उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। पीएच कोई भी एक दो पीएच में आप उसको कैलिब्रेट कर लीजिए, फिर आप अपने सैंपल का एनालाइज करिए। फ्लेजाइल इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड जो है वो ग्लास के होते हैं और बहुत डेलिकेट होते हैं, एकदम थिन ग्लास का है ताकि वो इजीली हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट कर पाए, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत फ्लेजाइल है। ड्रिप्ट ओवर टाइम,
जो पीएच मीटर है इसकी एक्यूरेसी जो है ये धीरे धीरे कम होने लगती है अगर इस इलेक्ट्रोड को प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए। इलेक्ट्रोड के अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। वो फ्लूइड कभी कभार डैमेज हो जाता है या ड्राई हो जाता है, तो उस केसेस में पीएच मीटर की वर्किंग इफेक्टेड होती है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, पीएच जो है वो टेम्परेचर से कनेक्टेड है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उसका पीएच भी चेंज हो जाएगा। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमको रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में जो लिक्विड है उसका ही पीएच लेना होता है। कंक्लूजन में देख सकते हैं कि पीएच मीटर जो है ये एसेंशियल है ताकि आप एसिडिटी या बेसिसिटी को कैलकुलेट कर पाए या पता कर पाए, और ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी में, जिसको वो एब्जॉर्ब करके या रिसीव करके उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंसेस से वो आपको एग्जैक्ट पीएच बता देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस का। तो और भी जो वीडियोस आपको इंटरेस्टेड लगती हैं उन वीडियोस के टॉपिक्स को आप कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट उस टॉपिक्स पे वीडियोस आपको दे सकूं। थैंक यू।